गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, यह आपकी क्लास एट्थ की इंग्लिश मीडियम की हिंदी की व्याकरण की बुक है सुरभिका। ये आपके क्लास एट्थ की व्याकरण, ये क्लास एट्थ की जो व्याकरण का सेकंड चैप्टर है उसकी सेकंड, उसका ये सेकंड पार्ट है, वीडियो का सेकंड पार्ट है। चलें स्टार्ट करते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद बताए गए हैं। तो उच्चारण के आधार पर यहाँ व्यंजन के भेद दिए गए हैं। का है अल्पप्राण व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन का, गा, अंगा, चा, जा, इया, टा, डा, अड़ा, ता, दा, ना, पा, बा, मा तथा या, रा, ला, वा होता है। मतलब बताया जा रहा है कि जो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, मतलब वे व्यंजन होते हैं जिनमें वर्णों के उच्चारण में जो श्वास होती है, श्वास वायु होती है, वो कम मात्रा में बाहर निकलती है। तो उनके यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, ये मतलब व्यंजन होते हैं, यही व्यंजन है। खा, महाप्राण व्यंजन, जिन वर्ण व्यंजनों के उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है ये महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन हैं खा, घा, छा, झा, ठा, डा, ढा, था, धा, फा, बा, भा तथा शा, षटकोण वाला शा, छोटा सा हा। और ये बताया जा रहा है महाप्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनमें, मतलब आप वर्णों का उच्चारण कर रहे हों और वायु आपके मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, वो ये होते हैं। खा होता है आपका, गा होता है, सॉरी, खा होता है, घा होता है, छा होता है, झा होता है, ठा होता है, ढा होता है, था, धा, फा, भा, शा, षटकोण वाला शा, छोटा सा और हा होता है। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के योग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में चार संयुक्त व्यंजन हैं। मतलब बताया जा रहा है कि दो वर्णों को, मतलब कि दो व्यंजनों को आपस में मिलाने को ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, वो हमारा छा, त्रा, श्रा और ज्ञा। छा, त्रा, ज्ञा और श्रा होता है हमारा संयुक्त व्यंजन। तो जैसे यहाँ देखते हैं, छा आपका बना है दो व्यंजन को मिलाकर, का और षटकोण वाला शा जो होता है उसे आप मिलाएंगे तो छा बनेगा। आधा ता, ये जो डैश लगा है समझ लीजिए, ये आधा आधा है, तो आधा ता और रा मिलाकर आपका बनता है त्रा, आधा। फिर आधा जा और ज्ञा मिला, इया मिलाकर बनता है ज्ञा। और ये जो बड़ा शा है आधा और प्लस रा आधा है, इसको मिलाकर आपका श्रा बनता है। आगत व्यंजन, जा और फा अंग्रेजी और फारसी भाषा के साथ हिंदी में आ गए हैं। उर्दू और फारसी के शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए जा और फा के नीचे नुक्ता लगाया जाता है, जैसे मजबूर, ज़रूरी, विजन, इज, रफू, फालसा, फादर, फ्रीज। मतलब बताया जा रहा है कि जो आगत व्यंजन कौन से, वो हमारा जा और फा, इनको अंग्रेज़ी और फारसी भाषा के साथ हिंदी में लाया गया था। और उर्दू और फारस अंग्रेज़ी के शब्दों का सही उच्चारण, मतलब कि उर्दू और अंग्रेज़ी को इसको सही लिखने के लिए और बोलने के लिए आपको, मतलब जा और फा के नीचे एक नुक्ता लगाना पड़ता है, तब वो ऐसे पढ़ा जाता है, मजदूर, ज़रूरी, विजन, इज, रफू, फालसा, फादर, फ्रीज। अन्य संयुक्त व्यंजन, इन चार विशेष रूपों को छोड़कर हिंदी में अनगिनत संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग होता है। ये संयुक्त व्यंजन दो प्रकार से लिखे जाते हैं, जा सकते हैं।
मतलब बताया जा रहा है कि अन्य संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। तो अन्य संयुक्त व्यंजन चार विशेष रूपों को छोड़कर, ताकि चार विशेष रूपों को छोड़कर हिंदी में ये अनगिनत संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग कर होता है इनमें। और संयुक्त व्यंजनों को दो प्रकार से लिखा जाता है, जैसे मिलाकर आप लिखेंगे तो विद्या इस तरह लिखा रहेगा, उद्देश्य इस तरह, और चिन्ह मिट्टी द्वार द्वारा द्विज आदि ये सब इस तरह लिखा रहेगा अगर आप मिलाकर लिखेंगे। और जो अलग करके लिखेंगे तो ऐसे आपका लिखा रहेगा वी आधा आधा दा, या फिर यहाँ विद्या ये डैश लगेगा तो आधा आधा हो जाएगा। तो ये अलग लिखा जाता है। और हल चिन्ह, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे टा का हा आदि, जहाँ संयुक्त व्यंजन के ऊपर नीचे मिलाकर लिखे जाते हैं वहाँ स्वर रहित व्यंजन ऊपर होता है और स्वर सहित व्यंजन नीचे। मतलब बताया जा रहा है ये हल चिन्ह होता है जो आधा पढ़ा जाता है। देखें आप यहाँ पे पा आधा है तो इस पे हल चिन्ह लगा हुआ है, ये का पर हल चिन्ह लगा और टा पर हल चिन्ह लगा हुआ है, सॉरी दा पर हल चिन्ह लगा है। तो बताया जा रहा है कि जो हल चिन्ह होते हैं वो स्वरों स्वर रहित लिखने के लिए हल चिन्ह का यूज़ होता है। और जहाँ पर संयुक्त व्यंजन ऊपर और नीचे मिलाकर लिखे जाते हैं वहाँ स्वर रहित व्यंजन ऊपर होता है और स्वर सहित व्यंजन नीचे होता है। जैसे यहाँ पा में रा है ना, पा में आपका स्वर मिला हुआ है, का में स्वर है, और दा में आधा दा मिला हुआ है। जैसे ये पा हल चिन्ह के साथ प्लस रा, तब ये प्रा बना है। का और रा, का हल चिन्ह के साथ और रा मिलाकर आपका क्रा बना हुआ है। दा आधा दा मतलब हल चिन्ह के साथ और दा मिलाकर दद बना हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ द्व बना, दा और वा मिलकर बना हुआ है, ये का और रा मिलकर द्व, और कर बना हुआ है, ये है आपका द्वध, दा और धा मिलकर बना हुआ है द्वध। अब यहाँ पर आपको रा का विशेष प्रकार बताया जाएगा, मतलब कि रा किस किस तरीके से लिखा जाता है और किस किस तरीके से ऊपर मात्राएँ लगती हैं, नीचे लगती हैं, बीच में लगती हैं। हिंदी में रा विशेष व्यंजन है, इसके नीचे हल चिन्ह नहीं लगता, इसलिए स्वर रहित रा को आगे वाले स्वर के ऊपर लिखा जाता है। जैसे आशीर्वाद, आ है सा पर बड़ी मतलब शी, और ये रा पढ़ा जाता है, वा पर मतलब वाद, ये ऊपर जो लगा हुआ ये रा होता है, तो का राम करम, का के बाद तुरंत ये रा पढ़ा जाता है। पाई वाले व्यंजन के साथ आने पर यह पाई के नीचे भाग में लगता है, जैसे पा में रा लगा, पा पर एक मतलब पा पा रे रा मिला के प्रे म प्रेम क्रम का राम क्रम। तो ऐसे ही जल्दी में पढ़ा जाता है। बिना पाई वाले व्यंजनों में ये नोकदार तिहाई के रूप में लगता है, जैसे ट्रक और ड्रामा। और ये बताया जा रहा है कि जो बिना पाई वाले व्यंजन होते हैं उनमें ये रा नोकदार रूप में तिहाई के रूप में लगता है, जैसे टा में ये लगा हुआ है, ट्रक में, ड्रामा में, इस टाइप से। और आधा मतलब हलता और शा हल चिन्ह लगा हुआ है, ता हल चिन्ह और शा हल चिन्ह के साथ लगने पर यह तू और शा शा हल चिन्ह के रूप में भी बदल देता है। जैसे हल चिन्ह ता प्लस रा बराबर त्रा बन गया, और हल चिन्ह शा प्लस और रा मिलाकर क्या बना, श्रा बना। सा के साथ हल चिन्ह सा के साथ आने पर इसका रूप शस्त्र श्रत्र हो जाता है, कुछ लोग भ्रमवश इसे स्त्र समझ लेते हैं। जैसे स्त्रोत को स्त्रोत समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। स्वर और व्यंजन का अंतर, स्वर और व्यंजन के उच्चारण में भी अंतर, मतलब बताया जा रहा जो हल चिन्ह के साथ सा होता है इसका भी रूप होता है, जैसे स्त्रा मतलब स्त्रा पढ़ा जाता है, क्योंकि सा त्रा मिलके स्त्रा पढ़ा जाता है, तो इससे बनते हैं स्त्रोत।
स्रोत होता है और स्त्रोत भी होता है। और स्वरों का जो उच्चारण है उसमें स्वर और व्यंजन के उच्चारण में भी अंतर होता है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, परंतु व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। जब हम का उच्चारण करते हैं तो इसमें आ की ध्वनि का योग होता है। का बराबर का अगर कंप्लीट आपको जो का वो उच्चारण होता है वो हल चिन्ह के साथ का प्लस आ मिलकर एक पूरा का बनता है। जब कोई व्यंजन आ के बिना बोला जाता है तो उसके नीचे एक छोटी तिरछी रेखा खींची होती है जिसे हलंत कहा जाता है। जैसे का हलंत, खा हलंत, गा हलंत, घा हलंत आदि। और स्वर जो होते हैं उनका जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते हैं। वर्ण विच्छेद, जब किसी शब्द के प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके दिखाया जाता है तो इस प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। चप्पल पत्नी जैसे दिख गए। तो बताया जा रहा है कि जब किसी शब्द को आप प्रयुक्त सभी वर्णों को मतलब अलग करके दिखाते हैं तो इस प्रक्रिया में को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। मतलब कि किसी भी शब्द को आप अलग अलग करके लिखेंगे तो वो एक उसको हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे गरिमा लिखा है तो गा प्लस आ प्लस रा प्लस ई प्लस मा हलंत के साथ प्लस बड़ा तो गरिमा होता है। फिर पतंगा है पा प्लस आ प्लस ता प्लस अंग प्लस गा प्लस अपरागम आ पतंगा। तो ये ऐसे होता है। तो ये जो चैप्टर आप लोगों का यही कंप्लीट हो रहा है। आप लोग इसको अच्छे से रीड करें एंड समझें।